लो जी, फिर से फ्लिपकार्ट में आ चुकी है एक मोबाइल वाली सेल। और ये जो सेल है ना, ये है मंथ एंड वाली, और यहां पर आपको 27 से लेकर 31 मई तक डिस्काउंट मिल रहा है। यदि आपको चाहिए गर्मी का संसाधन, मतलब यहां पर आप एसी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं और कुछ भी खरीदते हैं, यहां पर तो आपको बैंक की तरफ से ऑफर मिल जाएगा, लेकिन यहां पर बहुत सारे ऐसे फोन है जहां पर आपको थोड़ा सा प्राइस में कट मिलेगा। कौन कौन से ऐसे फोन है, किन फोनों को आपको लेना चाहिए और कौन से फोनों को आपको टाटा बाय बाय कर देना चाहिए, ये मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, यदि आप Flipkart से शॉपिंग करते हैं ना, तो बाय बैक ऑफर जरूर देख लीजिएगा। यदि आपके पास कोई पुराना वाला फोन है, एक्सचेंज में आपको बहुत अच्छा रेट मिल जाए, तो यार आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। और यहां पर मोबाइल प्रोटेक्शन का जो प्लान है, इसे लेना तो यार बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और कहीं आपको EMI पे कुछ डिस्काउंट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, ये आप जरूर ले लीजिएगा। और साथ में आप जब भी कुछ करें तो टर्म्स एंड कंडीशन भी जरूर पढ़ लीजिएगा। यदि आप मोबाइल सेक्शन में जाते हैं, तो यहां पर आपको बहुत सारे फोन मिल जाते हैं जहां पर आपको ऑफर मिलता है। मैं आपको बता देता हूं यार कौन कौन से फोन आपको लेने चाहिए। सबसे पहला जो फोन है वो है नोकिया का 5.1 प्लस। ये फोन आपको पड़ जाता है 8,200 रुपए का। ये फोन नोकिया फैन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां पर आपको बिल्ड क्वालिटी काफी धांसू मिल जाती है। बस यहां पर जो बैटरी है ना, वो है 3060 mAh की, थोड़ी सी कम है, लेकिन यहां पर आपको डिसेंट कैमरा मिल जाता है। और यदि आपको नोकिया से प्यार है तो आप इस फोन को ले सकते हैं। वैसे रेडमी के 6 को मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यार इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो मुझे पसंद नहीं आई है। और इसके बाद ऑनर का 9 Lite है, ये आपको 8,000 रुपए में पड़ जाता है, और ये फोन भी पुराना हो चुका है। वैसे मेरे हिसाब से नोकिया का जो 5.1 प्लस है ना, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। और यदि आपको सैमसंग का फोन चाहिए, सैमसंग का ON8 आपको पड़ जाता है 12,000 रुपए में, लेकिन ये फोन मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यदि आपको सैमसंग का फोन चाहिए तो सैमसंग की जो M सीरीज है और जो A सीरीज है, ये काफी तगड़ी है, आप इस फोन को ले सकते हैं। और आपको 11,000 रुपए में रेडमी का नोट 5 प्रो पड़ जाता है, और मैं आज की डेट में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि यार आपको रेडमी का नोट 5 प्रो लेना चाहिए, वो भी 11,000 रुपए में, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है। अब तो बहुत अच्छे फोन आ चुके हैं, और 11,000 रुपए यदि आपको लगाना है ना, तो Redmi का जो Note 7S आया है, इसमें आप लगा लीजिए। और एक फोन है 14,000 रुपए का, ये है Redmi का Note 6 Pro, और इसको भी मैं नहीं कहूंगा। यदि आपको 14,000 रुपए लगाने हैं ना, तो आपके पास Redmi का Note 7 Pro बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये फोन भी आपको पड़ जाता है इसी प्राइस में। नहीं तो आप ले सकते Realme 3 Pro, जहां पर आपको कमाल का कैमरा मिल जाता है, आपको Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, और साथ में जो परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर मिलता है, वो भी आपको काफी कमाल का मिलता है, मतलब Redmi के Note 6 Pro से ज्यादा अच्छा है। यदि आपको Samsung का फोन चाहिए, तो भैया Samsung का जो A50 है, वो हो चुका है 18,500 रुपए का, और ये फोन भी नो डाउट बहुत अच्छा फोन है, और आजकल तो Samsung बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब मैं आपको ये कह दूं, जो Mi के A2 का प्राइस हो चुका है, वो हो चुका है 10,000 रुपए। ये फोन बहुत अच्छा है, लेकिन यहां पर थोड़ी मोड़ी कमियां हैं। यदि आप 10,000 रुपए लगा रहे हो ना, तो भैया 1,000 रुपए ज्यादा लगा दो, Redmi का Note 7S ले लो, जहां पर आपको काफी कमाल की बिल्ड क्वालिटी भी मिल जाती है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है, वो है Honor का 10 Lite। ये फोन आपको 10,000 रुपए का पड़ जाता है, लेकिन ये फोन भी पुराना हो चुका है। और जो Samsung का Galaxy J6 है, यहां पर आपको 9,490 रुपए में यह फोन पड़ रहा है, लेकिन मैं इस प्राइस में भी इस फोन को आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। यदि आपको iPhone से प्यार है, iPhone का आपको 10 लेना है, तो भैया ये फोन महंगे वाले लोगों के लिए 66,499 रुपए का, और आपके पास इतना बजट है तो भैया आप ले सकते हैं। वैसे iPhone वाले तो भैया iPhone ही लेंगे। इसके बाद जो अगला फोन है, वो है Redmi का Y2, और Y2 भी मैं आपको नहीं कहूंगा 9,000 रुपए में। यहां पर आपको Honor का 8X पड़ जाता है 15,000 रुपए का, और मेरे हिसाब से आज की डेट में 15,000 रुपए Honor के 8X में लगाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और Nokia का 6.1 प्लस आपको पड़ जाता है 13,000 रुपए का। यदि आप Nokia के फैन हैं, तभी आप इस फोन को लीजिएगा। और पता नहीं यार, Nokia 6.1 प्लस के बाद Nokia कहां खो गया है, अब इस तरह के फोन कब लाएगा मुझे नहीं पता है। और अगला जो फोन है, वो है Realme 2 Pro। ये फोन आपको पड़ जाता है 11,000 रुपए का, और ये फोन आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है यार इस फोन का जो प्राइस है ना, वो और थोड़ा सा कम हो जाए तब मजा आएगी। और इसके बाद जो फोन है, वो है Oppo का K1, जो मेरे हाथ पे है। ये फोन हो चुका है 15,000 रुपए का। यहां पर आपको AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है, गजब का आपको बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, और ये फोन आप ले सकते हैं। यदि आपका बजट है
15,000 रुपए और अगला जो फोन है वो है गैलेक्सी A70, ये आ चुका है 29,000 रुपए का। वैसे भाई बड़ा महंगा फोन है ये फोन, सैमसंग लवर्स के लिए बहुत अच्छा फोन है, ये फोन भी आप ले सकते हो। और यदि आपका ज्यादा बजट नहीं है तो आप रियलमी का C2 ले सकते हो, 6,000 रुपए में गजब का फोन है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है जहां पर आपको सब कुछ विधिवत तरीके से बताया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो कृपया करके एक बार आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वैसे मैंने आपको बहुत सारे फोन बता दिए हैं और आगे बहुत सारे ऐसे फोन हैं जो इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं, और जब वो फोन लॉन्च होंगे तो आपको मेरे ही चैनल पे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जस्ट बगल में आपको एक बेल बटन मिलेगी, इसे प्रेस कर देंगे तो आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।